चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सऊदी अरब के रियाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं FII समिट को। जीवन का भाग बनती जा रही है टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का। उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर एजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी टू ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटैलिटी टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू टूरिज्म, और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, और ये रिटर्न्स सिर्फ भौतिक नहीं होंगे बल्कि युवाओं को एम्पावर करेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक बुद्धि और बिजनेसेस के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजनेस को निवेश के व्यापक अवसर देता है तो दूसरी ओर बिजनेस की वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, अनिवार्य है। साथियों, आज दुनिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर सबसे ज्यादा विकासशील देशों में है। एशिया में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति वर्ष 700 बिलियन डॉलर्स के निवेश की जरूरत है। भारत में हमने अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के निवेश का लक्ष्य रखा है, और फिर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में साइलोस में नहीं सोचते बल्कि हमारा प्रयास इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन वाटर ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऐसे अनेक प्रयासों से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने हर भारतीय को घर देने का और हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की अपनी स्पीड और स्केल को भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, और इसलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी और इसमें कैपेसिटी सैचुरेशन की कोई संभावना नहीं है। इसके कारण निवेशकों को लंबे समय तक रिटर्न भी सुनिश्चित रहेगा। साथियों, तीसरा ट्रेंड यानी ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में आ रहा बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के निर्णय
क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। साथ ही स्किल मैन पावर किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का मानदंड बन जाता है। ऐसे में तेजी से लोगों को स्किल्ड करना हमारे सामने एक चुनौती है। जिस तरह नेचर ऑफ वर्क में बदलाव आ रहा है, उससे आने वाले सालों में हमें लोगों को कई बार रीस्किल करना पड़ेगा। लर्न अनलर्न एंड रीलर्न के साइकिल जरूरी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, भारत के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को दुनिया भर में आदर और प्रतिष्ठा मिले हैं। भारतीय टैलेंट ने यहां सऊदी अरेबिया में अनुशासित, कानून का पालन करने वाले, परिश्रमी और कुशल कार्यबल के रूप में अपनी अनूठी पहचान बनाई है।